कृष्ण, मैं ले आई सातों नदियों का पवित्र जल। अब तुम्हें मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा। जल तुम लाई तो तुम ही करो तुम्हारे हाथों से मुझे शुद्ध। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु राधा के पुण्य से संचेत ये कुंड लोग अनंत काल तक राधा कुंड के नाम से जानेंगे। मुझे पवित्र कर ही दिया राधा, तो अब घर चले। अब भला कृष्ण राधा से दूर कैसे रह पाएंगे? राधे जहां राधे वहां श्याम तो होंगे। अब राधा कुंड के समीप बना ये कुंड श्याम कुंड कहलाएगा। अब अपनी राधा से मिलन के बिना श्याम तो ऐसे ही हैं, अधूरे। अब यदि कुंड शरीर है तो प्राण है जल, कृष्ण के प्राण तो राधा में ही बसते। श्याम कुंड है ये आधा, जो न जल बन आए आधा, प्रेम का अध्याय आधा, बिना कृष्ण राधा। मीठी सी हलचल क्यों है? मेरा मन कहता है कृष्ण मुझे अवश्य बुलाएगा। कृष्ण तुम्हारा मन विचलित हो और कान्हा ना बुलाए, ये तो असंभव है राधे। तुम ही बताओ कृष्ण मुझे पुकारेगा ना? आज तो तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि आज की रात्रि बड़ी ही अद्भुत है।
आज की रात्रि तुम्हारे जीवन की सबसे उज्जवल और उत्तम रात्रि होगी। ये प्रकृति उल्लासित है आज की रात्रि के लिए, और प्रकृति के साथ कोई और भी उल्लासित है, जो आज ब्रह्म मुहूर्त पर पधार कर इस धरती की, इस रास की महिमा चरम तक पहुंचाएंगे, इस रास की महिमा चरम तक आओ राधा। अनंत काल तक स्मरण रखे जाने वाली इस शुभ रात्रि में, इस महारास में अपने कृष्ण की संगीनी बनो। कृष्ण, कृष्ण मुझे पुकार रहा है। कौन है वो? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। क्रिश, मैं आ रही हूं। क्या ये बांसुरी संकेत है कृष्ण कि तुम मुझे पुकार रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें ही पुकार रहा था राधे। क्यों? क्योंकि कोई है अति विशिष्ट जिनसे मैं आज तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ राधा। कौन बताओ ना कृष्ण, किससे मिलवाने वाले हो? जो आनंद प्रतीक्षा में है वो उत्तर की इच्छा में नहीं है राधा। प्रतीक्षा करो। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? ब्रह्म मुहूर्त तक। ब्रह्म मुहूर्त? ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर ब्रह्म मुहूर्त में ही धरती पर पधारते हैं राधा। चंद्रमा और सूर्योदय के प्रकाश के बीच का समय सबसे अधिक शुभ होता है ना, इसलिए। ईश्वर? अब ईश्वर अर्थात अतिथि, अतिथि को ईश्वर समान ही माना जाता है ना राधा, और वो है तो हमारे अतिथि है ना। और तुम चिंता मत करो राधा, केवल तुम्हें ही नहीं समस्त सृष्टि को आभास हो जाएगा उनके आगमन। संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा के गुण पे आज झूमते से देखो राधा, आपकी आंखों में आनंद के अश्रु। राधा
अत्यंत सुंदर, मन मोह लिया इस छवि ने। अद्भुत है ये प्रेम रस। हाँ। आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप इस रास के दर्शन मात्र से संतुष्ट नहीं है। हाँ। कहीं आपके मन में इस रास में जाने की आस तो नहीं आई है महादेव? गौरी, यदि मेरे हृदय में ऐसी कोई आस उत्पन्न हुई है तो इसमें कठिनाई कैसी? कठिनाई नहीं है, विकट समस्या है महादेव। आपका रुद्र भाव इतना हावी है आपके ऊपर, आप आनंद में भी तांडव कर देते हैं। मेरी बात सुनी, आपसे प्रेम रास नहीं हो पाएगा महादेव। तुम मेरे विषय में ऐसा सोचती हो? हाँ। ठीक है, अब तो मैं इस प्रेम रास का आनंद अवश्य उठा के दिखाऊंगा। अब तुमसे भेंट प्रेम रास में भाग लेने के पश्चात ही होगी, पश्चात ही होगी, पश्चात ही होगी, पश्चात ही होगी। राधा कृष्ण की देख के पावन प्रेम भरी यह लीला, मन मयूर नाचे शिव जी का, त्रिभुवन हुआ रंगीला।